हेलो गाइस, दिस इज दीपक मोरे, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। तो भाई अभी व्लॉग में भी उठे हैं, फटाफट से रेडी हो गए हैं, नहा धो लिया है और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम है, उसके बाद मिलते हैं। कल ये सब सामान लिया, ये और ये आज क्लास नहीं है। देखो अभी एक्सचेंज पे आ गई है, पहले बुलाया और फिर एक्सचेंज किया। किसी का सुनने का नहीं चीज़ जिंदगी में, किसी के पास सुनो, जो सामान बोला वही लो। तो घर से निकल जाओ तो मम्मी एक एक काम दे देती है, उनका सामान वामान दिलवा दी। तो मम्मी का फोन आता है कि उड़द का दाल लेके आना है, कि जैसे कि घर से निकलो धनिया का पत्ती ले आना, ये रहेगा ना। तो तुम्हारी लड़की को तो समझा के रखो, सब सामान लेके जाया करे, हम लोग फ्री नहीं बैठे रहते हमेशा। कल जितना पैसा बचा रहे थे हम लोग, उसमें से घुसते जा रहा पैसा, तो उसको समझाओ। तो देखो ये यही चीज लेने के लिए ये दौड़ाई, और ये चीज भी वापस जाके उन्होंने नया परचेस किया। ये वाला कल जो लिए थे वो खराब था, मतलब सही नहीं था। सही था उसके, तो क्या कौन सा कट मारा है आज? आज स्ट्रेट एंड यू। ओह माय गॉड, वो ज्यादा दिखता है। चलो हम जा रहे हैं। इससे पहले जो आपने देखा भाई, बहुत भयंकर आग लगी हुई थी भाई, पूरा फायर ब्रिगेड वगैरह आ गया था। मतलब फायर ब्रिगेड नहीं आता तो और आग फैल जाता आजू बाजू में। अभी फटाफट से रेडी हुए हैं, अभी एक बिल्डर के ऑफिस में जाना है, जो कि आपको पता है क्यों जाना होता है हर महीने में, तो बस वहाँ जाते हैं। So, भैया हम हर महीने आ जाते हैं यहाँ पे, अपना मुंह उठा के अपने घर के सारी सैलरी यहाँ पे देने के लिए। कोई नहीं है, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। तो अभी बस क्या, अभी ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ पे जाके आते हैं, क्योंकि ऑफिस में जाके काम करेंगे तभी अगले महीने की प्रीमियम भर पाएंगे। हम इसको आज वापस बनाने जा रहे हैं। आज बेइज्जती हो गया तो बेइज्जती नहीं यार, सब जिंदगी के सीख है। दिस इज लेसन ऑफ लाइफ, लेसन ऑफ लाइफ। यस सर, भाई अच्छा खासा कमाता है, 450 का गिग मिल रहा है। अब सोच रहे हैं, मुझे पूछा है क्या कौन सा बता, तू बता। ये वाला अच्छा लगा, ये वाला ना, ये वाला तेरे पैसे के हिसाब से अच्छा, तो मेरे को वो वाला लगा। इसमें क्या है मैम? कस्टमर का कल कभी नहीं आता है। हां चॉकलेटी है, और ये भी चॉकलेटी है। चॉकलेटी दोनों वैनिला, हमको पता है ना भाई, तो काफी बढ़िया है। पैसा है कि तेरा अकाउंट? बहुत खुद उठाई है, मेरा बैग तू ही लिया। स्कैम हो गया, इसका बैग मैं ही लिया हूँ। केक ले लिया गया है, केक ले लिया है क्योंकि मेरे भाई का बर्थडे है। मेरे भाई के टाइम 1000 रुपए केक लिया था, बस 1000 रुपए का। हाँ ठीक है भाई, मेरे भाई के नाम मैंने 360 रुपए, मेरे हमारा पैसा फ्री में नहीं आ रहा, इनका पैसा कैसा, दो दो दुकान है तो फ्री में पैसा आ जाता है हमारे को। हमको दिन में कितना पैसा फ्री में आ रहा है, कितना नहीं। कल एक केक लाना, अभी ये ज्यादा कटेगा, अभी कल के दिन में केक लेना पड़ेगा ना। अमीर लोग है भाई, 4 बार काटते, तो फिर इसके 360 रुपए एक एक नाम का रखते। वी नो नो नहीं, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ा चुटिया वाला लगता है, अगले बर्थडे में हम लोग इसके सुरेश विश्वकर्मा अलग अलग अच्छा सुरेश विश्वकर्मा प्रॉपर लिखाएंगे भाई। मैंने बहुत कुछ बोला है लेकिन वो होने के लिए 1 मिलियन कहाँ 1 मिलियन सोचता है, लोग लाइक नहीं करते, चोरी जरा देख के चले जाते हैं। ऋषिकेश बेचारा जी शौक नहीं ले पा रहा है, मेरे चक्कर लाइक करो ना, उसका जी सपना पूरा होगा किसी का भी, उसका 1K पे हो जाएगा यार, वो भी नहीं हो रहा है। ये देखो ये क्लास इन्होंने लगाया, मैं इतना अच्छा इनका हटता, इतना अच्छा लगाया मैंने इसको, देखो आयशा क्या, ये देखो इतना अच्छा किया है मैंने, देखो यहाँ मरकावा इसको, यहाँ बोलते यहाँ पे इसको मरकावा। हाँ अभी तो टेक्निकली वर्ड बोलेगी, ब्रिंग्स गोबर को गू बोलो या पॉटी बोलो, तो मेरे को मेरी माँ ने सिखाया मरकावा का, तो मैं मरकावा ही बोलेगा। ये इनका डब्बा भी आ चुका है। इनका बैग सब भरा हुआ है, इनका फीस हमने खाली 39,000 भरा, लेकिन भाई लाख लाख रुपए का सामान ले लिए। जिंदगी का असली मजा खट्टे में नहीं है, जिंदगी का असली मजा खाली ब्यूटी पार्लर भेजने में, और बाद में वो ब्यूटी पार्लर का
फीस है वो वसूल दिया यहाँ पे करने है। तो आज ये सीख के आइए ब्यूटी पार्लर में हाउ टू डू हेड मसाज। तो जिंदगी का एक मजा चंपी कराने में, दूसरा मजा जिम जाम बिस्कुट खाने में। अपनी अपनी बहन का स्टॉक मुझे कहा ओके चाहिए तो बिस्कुट मैंने खाऊंगा। घड़ी लेके बैठी हैं आराम से बाहर आ जाए।